इंसान आइडियल लाइफ चाहता है, आइडियल सहूलतें चाहता है। अल्लाह ने इस कायनात को डिज़ाइन ही नहीं किया कि तुम इसे आइडियल होम बना सको, इसे आइडियल इसमें लाइफ गुजार सको। ये इम्तिहान की जगह है, लिहाजा यहाँ उतार चढ़ाव, यहाँ इम्तिहान, यहाँ तंगी, यहाँ फराखी, कभी इज्जत कभी जिल्लत, ये सब कुछ इकट्ठा चलता है। जो वजह कायनात हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ़ आप उनकी ज़िंदगी अल्लाह के वास्ते पढ़ो। इस रमज़ान में फारिग बैठे हैं, अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़ो कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कि सबसे ज़्यादा मशक्क़त वाली ज़िंदगी मेरे नबी ने गुजारी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़िंदगी मेरे नबी ने गुजारी। लेकिन एक जहान अल्लाह ने आगे पैदा किया है जो मौत के बाद आता है, जिसका नाम है जन्नत, जिसमें आइडियल लाइफ होगी, आइडियल होम होगा। सबसे बड़ी इंसान की ख्वाहिश तो ये होती है कि मुझे मौत ना आए, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये कायनात आइडियल होम नहीं है, अल्लाह ने मौत के बाद एक ज़िंदगी रखी है जो बहुत आलीशान है, और उसको जोड़ा है ईमान और अमल, अच्छे अमल के साथ। तो इस आयत में चूँकि जब आदमी ईमान का कलमा पढ़ता है तो वो पाबंद हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पाबंद हो जाता है, ना इस ये बाउंड्री क्रॉस कर सकता है ना ये कर सकता है। इसके अंदर जितना वो कर सकता है उसको करने का हुक्म है, इससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो इंसान एक पाबंदी में आ जाता है, और जो पानी नालियों का बेहंगम बहता है वो गंदगी फैलाता है, जो पानी पाइप में घुट के आता है वो हमारे घर के बर्तन धोने का सबब, पानी पीने का सबब, कपड़े धोने का सबब बन के आता है, कि वो पाबंदियों में बंद हो के आता है। तो इस दुनिया में कोई अपनी मर्ज़ी कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं अटक जाता है। बनु उमैया में एक बादशाह गुजर आए, यजीद बिन अब्दुल मलिक। तो एक मशहूर है कि बादशाहों के बड़े रोले होते हैं, मुसीबतें होती हैं। तो एक दिन कहने लगा, कौन कहता है कि बादशाह खुशी का दिन नहीं गुजार सकते, मैं आज का दिन भरपूर खुशी से गुजारूंगा, महल के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं और कोई ख़बर मुझे ना सुनाई जाए और अंदर कोई भी ना आए, आज शाम तक मैं अपनी मर्ज़ी से खुशी मनाना चाहता हूँ। और उसकी एक बांदी थी, बीवी नहीं बांदी, लौंडी, उसका नाम था हब्बाबा, उससे वो इश्क करता था, कि मैं आज सारा दिन हब्बाबा के साथ गुजारूंगा। तो दौरान मजलिस उसको अपने हाथों से उसको अंगूर खिलाने लगा, तो बातें भी करता, उसको देख के खुश भी होता और अंगूर उसके मुंह में डालता। अचानक उसने अल्लाह को ललकार दिया ना, अल्लाह को चैलेंज कर दिया, एक अंगूर का दाना हलक में जाने की बजाय सांस की नाली में चला गया। अल्लाह हू अकबर, ऐसे तो मिली हुई हैं, अरे जब हम खाते हैं
तो दोनों नालियां साथ साथ हैं, इस पर अल्लाह ऐसे पर्दा डाल देता है जो सांस की नाली है, और ये दूसरी नाली खुली रखता है तो चले उसमें कि खिजा चली जाती है। अल्लाह पर्दा हटा दे तो हम अपने नवाले से मर जाएं। तो उसके हलक में वो दाना अटक गया और चंद सेकंड में उसका खात्मा हो गया, और वो रो रो रो, जो उसकी खुशी का दिन मनाना चाहता था उसकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन बना। 3 दिन तक उसकी लाश को सामने रखे तो रोता था और ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है, और उसकी लाश गलने लगी, बदबू आने लगी। तो उसके जो भाई था हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उसने जो उसके बाद खलीफा बना, ज़बरदस्ती उससे लाश को छीना और जाके दफन किया। तो अल्लाह ताला कहता है यहाँ तुम मेरी मान लो, इन अब्दी अंत तुरीद वाना उरीद वला यकून इल्ला मा उरीद फैंसन लम तलीफी मा उरीद कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद। मेरे बंदे तू दुनिया में मेरी मान ले, मैं हमेशा के लिए तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तो इस आयत में अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत हमें बात समझाई है कि मेरे बंदो, तुम सोने का चम्मच लेके पैदा हो या एक थर के झोंपड़े में पैदा हो, मौत ने तुम्हें मिटा देना है। तुम्हारे पास 60-70 साल हैं, 80 साल हैं मैक्सिमम, फिर तुम मौत उठाएगी और गड़े में डाल देगी। तो मैं तुम्हें बशारा देता हूँ, अल्लाह अपने नबी से कहता बशर, बशर का मतलब एक दफ़ा कहना नहीं होता, जैसे अज़्ज़िन फिन नास बिल हज यातू का रिजाला, कि इब्राहिम ऐलान कर और बार बार कर। जैसे अजान को अजान क्यों कहते हैं कि वो बार बार ऐलान होता है, तो बशर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे महबूब, मेरे बंदों को आप बार 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 खुशखबरियाँ सुनाएं, क्योंकि ईमान वाली ज़िंदगी पर जब आदमी चलता है और अच्छे अमल वाली ज़िंदगी पर जब आदमी चलता है तो उसे घाटियों से गुज़रना पड़ता है, उससे उन घाटियों से गुज़रे बग़ैर मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये दुनिया की रीत है, शॉर्टकट कोई नहीं है, यहाँ घाटियों से गुज़र कर शोहरत तो बहुत से लोगों को हासिल हो जाती है, पैसा बहुत से लोगों के पास आ जाता है, ताकत हुकूमत बहुत से लोगों के पास आ जाती है, लेकिन उनमें कामयाब वो होंगे जिन्होंने शॉर्टकट नहीं मारा होगा, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल का रास्ता अपनाया होगा। तो अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि मेरे बंदों से जो ईमान और अमल वाले हैं मेरे नबी, अब उन्हें बार बार फरमाएं कि तुम जमे रहो, जमे रहो, किस लिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक घर तैयार करके रखा है जिसका नाम है जन्नत। जन्नत बाग को कहते हैं और जन्नत दरख्तों में घिरी हुई जगह को कहते हैं, ढांपे हुई वो जगह ऐसी है कि दरख्तों ने उसको ढांपा हुआ है, जन्नत। जुन्ना ढाल को कहते हैं जिसके जो आदमी को ढांप लेती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है मैंने वो जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए, और आगे एक छोटी सी नेमत का जिक्र किया है। अच्छा, अल्लाह ने जब से दुनिया को बनाया है इसे एक दफ़ा मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा, इन अल्लाह लम यंज़ुर इलैहा मुंदु अन खलक़हा, इन अल्लाह ताला लम यंज़ुर इलैहा मुंदु खलक़हा। अल्लाह ने जब से दुनिया को बनाया है उसे अल्लाह ने कभी नज़र मोहब्बत से नहीं देखा, निज़ाम चल रहा है। और जन्नत को अल्लाह ने बनाया है और बनाया अपनी कुदरत से और अपने हाथों से, इन्नल्लाह ताला खलकल फिरदौस अला बियदिही, मेरे नबी का फरमान है अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया है। जो चीज़ अल्लाह के हाथों से बनी होगी वो क्या होगी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम आ जाओ मेरे पास, तुम्हें अजीब सरप्राइज दूंगा। क्या कुल्लु मा रज़क़ु मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न कालू हल्ला मिन क़ब्ल, दोनों मियाँ बीवी खुद्दाम दरबार लगा हुआ है कि नौक होता है उसके दरवाज़े पर, तो एक फरिश्ता एक थाल लेके खड़ा होता है जो कवर्ड होता है रेशमी रुमाल से, तो वो कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है तुम
जाकर अपने सरदार को, अपने मालिक को जाकर कहो कि एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है और वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। अल्लाह का भेजा हुआ भी पूछ के अंदर आएगा, इतनी इज्जत अल्लाह बढ़ा देगा। तो वो कहेगा आ जाए। जब वो अंदर आएगा तो दोनों मियाँ बीवी के सामने एक थाल, वही थाल आगे रखेगा, कहेगा हुजूर मुझे अल्लाह ने आपकी खिदमत में ये तोहफा देकर भेजा है कि आप इससे मज़ा लें। तो जब ऐसे उस रुमाल उठाएगा तो उसमें फल होगा, वो फल उसकी जन्नत के फल की तस्वीर होगा, मशाबे होगा। तो वो कहेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, अरे भाई फरिश्ते ये तो मेरे रब ने पहले ही मुझे दिया हुआ है, तो इसमें क्या ख़ास चीज़ है जो अल्लाह पाक ने मेरी तरफ इसे भेजा है। तो वो फरिश्ता कहेगा मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि आप एक बाइट ले लें, एक लुकमा ले लें, आपको पता चलेगा कि हमने आपके लिए क्या भेजा है। अब मेरे भाई बहनों गौर से सुनना, इंसान खाने का मज़ा लेता है, ज़िंदगी का मज़ा लेता है, नेमतों का मज़ा लेता है, ये चीज़ें ना हों तो मरने की तमन्ना करता है। तो खाने की भी एक लिमिट है, उसके बाद आदमी खा ही नहीं सकता, और पीने की भी एक लिमिट है, उसके बाद आदमी पी नहीं सकता है, और वहाँ किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं। अब हज़ार बरस खाते रहो, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ना पेट भरेगा, ना जबान कटेगी, ना दाढ़ें थकेंगी, और हर लुकमे की लज्जत दूसरे से ज़्यादा होगी। तो जब वो उसको उठाकर ऐसे चखेंगे ना, तो अगर उसकी जन्नत में अल्लाह ताला ने 1,00,000 किस्म के फल पैदा किए हैं, इस 1,00,000 को जितनी ज़ीरो से मर्ज़ी मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर लो, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, आगे कोई लफ्ज़ कोई नहीं, तो उसकी जन्नत में जितने फल हैं, जब वो यूँ एक लुकमा लेगा, देखिए हम लोग चाट खाते हैं तो सारे जायके मिक्स होकर एक और जायका बन जाता है, जब वो एक लुकमा लेगा तो उस एक लुकमे में उसकी जन्नत के जितने फल हैं, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000 फलों का जायका उस एक लुकमे में अल्लाह उसे अता फरमाएगा। तो जो वो कह रहे थे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो हमने पहले भी खाया था, तो अब अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा वो उतू भी ही मुतशाबिहा, मेरे बंदे तुझे सरप्राइज़ देने के लिए मैंने ये किया था। जैसे हम अपने दोस्तों को अच्छा गिफ्ट देते हैं तो एक सरप्राइज़ देते हैं, तो अल्लाह ताला सरप्राइज़ देगा उतू भी ही मुतशाबिहा, मेरे बंदे ये तूने पहली दफ़ा खाया है, इससे पहले जो तुमने खाया था वो इसकी मुशाबे था, ये नहीं था। तो अचानक जब एक जायका भी अजीब मिले और शक्ल वही हो और जायका और हो, उसकी भी लज्जत अलग है, तो अल्लाह ताला फरमाता मेरा बंदा खा, इस खाने में कोई वक्त की कैद नहीं, मकदार की कैद नहीं, जितना खाते जाओगे अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, पेशाब नहीं आएगा, पखाना नहीं आएगा, पेट नहीं ख़राब होगा, आंतों में दर्द नहीं होगा, किसी जगह ये खाना कुछ भी नहीं तकलीफ़ पहुंचाएगा। और यहाँ हमारा जो खाने का बच जाता है वो पेशाब पखाने की सूरत में निकलता है, वहाँ अल्लाह सारे को हज़म करा देगा, एक डकार आएगा और हर शय हज़म हो जाएगी, और उस डकार की खुशबू भी दूर तक फैलेगी और वहाँ महक आएगी मुश्क अंबर की। फिर आगे अल्लाह फरमाता है फ़ी अज़्वाज मुतहरा, और फिर हमने तुम्हारे लिए खूबसूरत पाक पाकीज़ा बीवियों को तैयार किया है, जिसमें तो तुम्हारी बीवी इन सब की सर फहरिस्त होकर इनकी सरदार होगी, और वह हम फ़ीहा खालिदून, और तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे, कभी उससे नहीं निकाले जाओगे, हम फ़ीहा खालिदून, तुम कभी उससे नहीं निकाले जाओगे। क्योंकि आदमी नेमतें लेता है तो फिर ये खौफ पैदा हो जाता है मर जाऊँगा,
कहीं छिन ना जाए, कहीं जवाल ना आए, वहाँ अल्लाह इन दोनों चीज़ों को हटा देगा। तो इसकी बुनियाद क्या है? ईमान और अमल। ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अमल है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी के ताबे होकर चलना, आपकी तरतीब को सामने रख कर चलना। जो मर्द औरत इस पे आ जाएगा, मेरा रब उनके लिए दुनिया में आफ़ियत और आखरत में जन्नत के दरवाज़े खोल देगा, और अल्लाह ताला वहाँ जब जन्नत ही जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम ही जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहेगा या अहलन नार, ए जहन्नम वालो, कहेंगे लब्बैक रब्बना वसादैक, जी हमारे रब। अल्लाह ताला फरमाएंगे कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सिनीन, कितना दिन गुजार के आए हो? वो कहेंगे या अल्लाह यौमन व बाद यौमन फसलिल आदिन, या अल्लाह को एक आध दिहाड़ी गुजारी है, या आधा दिन या पूरा दिन, बाकी हमें तो याद भी नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बेसमत तजरतुम फी यौमिन व बाद यौम ग़ज़बी व सख़ती व नार जहन्नम, तुमने मेरे गुस्से को थोड़े सी ज़िंदगी में ख़रीदा, मेरी नाराज़गी को ख़रीदा, अब तुम्हारे लिए आग है, जाओ। फिर अल्लाह जन्नत वालों से कहेगा या अहलल जन्ना, ए जन्नत वालो, वो कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, तुम बताओ तुम कितनी ज़िंदगी गुजार के आए हो? वो कहेंगे यौमन व बाद यौमन फसलिल आदिन, अल्लाह को दिन आधा दिन ही गुजारा है। नूह अलैहिस्सलाम जैसे जिन्होंने 1400 साल, 1450 साल की ज़िंदगी गुजारी, और आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल की उम्र पाई, यौमन व बाद यौम, दिन आधा दिन। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे निअमा मत तजरतुम फी यौमिन व बाद यौम, मुबारक हो, आप लोगों ने बहुत आला सौदा किया, रहमती व करामती व जन्नती, तुमने मेरी रहमत को ख़रीदा, तुमने मेरी मेहमान नवाजी को ख़रीदा, तुमने मेरी जन्नत को ख़रीदा, जाओ मज़े करो, कुलू वशरबू, खाओ पियो हनी आ, मज़े से। मज़े से क्या मतलब? कि इस खाने पीने के बाद कोई तंगी नहीं, पूरी जन्नत में एक टॉयलेट नहीं है, पूरी जन्नत में कोई गटर पाइप नहीं है, पूरी जन्नत में कोई किचन नहीं है, पूरी जन्नत में कोई वॉशरूम नहीं है, पूरी जन्नत में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। सुभान अल्लाह, इन सारी गंदगियों से पाक करके भाई बहनों अल्लाह ने एक घर बनाया है। तो मेरे भाई बहनों, चंद दिन की ज़िंदगी है, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें, आपस के हसद बुगज़ को छोड़ें, आपस की रंजशें नाराज़गियाँ छोड़ें, वो चाहे फ़िरका वारियत की बुनियाद पर आएँ, चाहे वो सियासत की बुनियाद पर हैं, चाहे ख़ानदानी बुनियाद पर हैं। चंद दिन बाद आदमी मिट्टी का ढेर बन के पड़ा होता है, तो इंसान कितना ही उरूज पे पहुंच जाए, उसकी आखिरी जो पहुंच है वो चंद मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं, चंद मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से जारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना है, मैं इसमें अपने आप को भी और आप सब बहन भाइयों बेटे बेटियों को मुखातिब करके अर्ज़ करता हूँ, क्या हम दिलों को साफ़ करें, ज़बान की हिफाजत करें, आपस में लड़े हुए हैं तो माफ़ करें, इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हमें अपने और अपने हबीब की पाकीज़ा ज़िंदगी पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।